दोस्तों, जिंदगी में सब कुछ हासिल करने की इच्छा किसकी नहीं होती। पैसे कौन नहीं कमाना चाहता है, नाम किसको अच्छा नहीं लगता। लेकिन आज मैं चाहता हूँ कि आप सबका नाम सबसे लास्ट में हो। उस लिस्ट का नाम है हार मानने वाले लोग। अगर आज मैं 100 बंदों से कहता हूँ कि कल से तुम्हें रोज सुबह 6 बजे उठना है, और वो 100 के 100 बंदे अभी मान भी जाएंगे, तो कल सुबह पता है क्या होगा? 100 में से केवल 80 लोग ही उठेंगे। और परसों क्या होगा? 80 में से सिर्फ 50 लोग ही उठेंगे। और तीसरे दिन क्या होगा? 50 में सिर्फ 20 लोग ही उठेंगे। और चौथे दिन 20 में से सिर्फ 10 लोग ही उठेंगे। और पांचवे दिन 10 में से सिर्फ 5 लोग ही उठेंगे। और छठवे दिन पता है क्या होगा? 5 लोगों में से सिर्फ 2 लोग ही उठेंगे। लेकिन उन 100 लोगों में से जो आखिरी बंदा है, जो उस लिस्ट का 1% है, वो उस काम को कभी नहीं छोड़ेगा जो टारगेट उसने अपनी लाइफ में फिक्स किया है। चाहे उसको IAS बनना हो, डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी बनना हो, वह बंदा उस हार मानने वाले लिस्ट में सबसे लास्ट में रहता है। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि जिसको दुनिया सबसे लास्ट में समझती है, वो सबसे लास्ट में नहीं होता, बल्कि दुनिया का 1% इंटेलिजेंस लोगों में होता है। और इसी वजह से उसको अपनी लाइफ में वो सब मिल जाता है जो उन 99% लोगों के पास में नहीं होता है। जिस टारगेट को पाने के लिए 99% लोग ख्वाब देखा करते हैं ना, सेम उसी टारगेट को वो 1% बंदे हासिल करके दिखाते हैं, जिन्होंने अपने 99% सुखों का त्याग कर दिया। जिंदगी में सबको छोड़ने की हिम्मत कर लेना, लेकिन मेरे दोस्त, हिम्मत छोड़ने की हिम्मत कभी मत करना। जिंदगी में किसी भी हार को गले लगा लेना, लेकिन हिम्मत हारने की हार को कभी गले मत लगाना। अगर आपको दुनिया के 1% लोगों में आना है, तो आपको उस माइंडसेट से बाहर निकलना पड़ेगा जिसमें आपके आसपास 99% लोग फंसे हुए हैं। तो दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।